ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझो। कहता है कि बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक हम लोग पास बैटरी है, चलो बना लेते हैं, ये प्लस माइनस इसकी रेजिस्टेंस आर है, फिर दूसरी बैटरी है प्लस माइनस इसकी रेजिस्टेंस आर है, फिर तीसरी तीसरा सेल है बच्चों, ये तो सेल जो होता है वो ये प्लस माइनस ये, तो डॉट 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 एन, ऐसे ये से बहुत सारे सेल्स का जो कॉम्बिनेशंस होता है वो बैटरी होती है। जैसे अभी मैंने 1 2 3 4 ये चार सेल लगाए, तो ये एक चार सेल का जो कंबाइंड ग्रुप है वो एक बैटरी कहलाती है। तो इस तरह से हमें यन सेल्स लगा दिए, यन सेल्स लगा दिए और हमने बैटरी कर दिए, और मान लो ये इसका प्लस टर्मिनल है और ये इसको माइनस टर्मिनल है, ठीक है, बराबर है। तो एन इच ऑफ आइडेंटिकल हैविंग रेजिस्टेंस आर, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, ये प्लस ये ई एम एफ ई एम एफ ई, और इस तरह से डॉट 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 एन टाइम्स हमें दे दिया गया। चलो, द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द शॉर्ट सर्किट। ठीक है, द शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि हम जीरो रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं इसके टर्मिनल को, मतलब ये जो टर्मिनल है प्लस और ये जो टर्मिनल माइनस है इसको आपस में जीरो रेजिस्टेंस पाथ से कनेक्ट कर दो। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जीरो रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू जीरो रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट, याद कर लो इसको, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब होता है रेजिस्टेंस जीरो पाथ बच्चों, ठीक है। तो जीरो पाथ रेजिस्टेंस हमसे कनेक्ट कर दिया, तो ये कहता है कि जैसे हमें कनेक्ट करेंगे इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगी आई, वो करंट एन से कैसे रिलेटेड है ये हमें बताना है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी वो हमें बताना है प्यारे बच्चों। तो नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, चलो हम करके देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो शॉर्ट सर्किट, तो करंट आई इज इक्वल टू होता है वो होता है वी अपन आर, तो नेट वोल्टेज, अगर आप पढ़े होंगे तो नेट वोल्टेज सीरीज में अगर ऐसे प्लस प्लस जुड़े हैं तो एन ई आ जाएगा, नेट वोल्टेज एन ई आ जाएगा, और नेट वोल्टेज और नेट रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस जीरो हो गया, और ये सारे रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ दोगे तो उसे लोकेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसको इन सभी को एक साथ जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा एन आर, तो एन ने एन को खत्म कर दिया तो ई अपान आर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो करंट है वो ई एम एफ अपान आर, मतलब जो करंट है वो नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं किया यार, नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं किया। अगर मैं किसी एक सेल से करंट निकालता हूँ, इस सेल से करंट निकालता हूँ, तो इसका करंट ई एम एफ अपन आर, ठीक है। तो अगर आप ऐसे यन लगाते हो और एक से लगाते हो तो दोनों बराबर है भाई, मतलब नंबर ऑफ सेल आप हजारों लगा लो, ठीक है, और ऐसे कनेक्ट कर देते हो, शॉर्ट सर्किट कर देते हो और एक सेल लगाते हो तो दोनों का बराबर आ रहा है, वो नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर मैं नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब अगर मैं एक सुंदर सा ग्राफ बनाऊं, एक अच्छा सा ग्राफ बनाऊं ये वाला बच्चों, यहाँ से जैसे इन्होंने बनाया है कि करेंट आई और नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये जो है वो एक कॉन्स्टेंट करेंट दे रहा है, कॉन्स्टेंट करेंट दे रहा है, ठीक है, ई अपन आर की एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू का ग्राफ ऐसा आएगा, दिस इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट।